हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे राजमा। तो जिस तरह आज हमने वीडियो में राजमा बनाया है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और जो लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं, वो भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो राजमा बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी राजमा, तीन मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर, पतली लंबी कटी हुई अदरक और पतली लंबी कटी हुई हरी मिर्च, कुछ खड़े गरम मसाले चाहिए, जिसमें हम लेंगे एक बड़ा चम्मच साबुत धनिया, एक छोटी चम्मच सौंफ, दो लौंग, एक टुकड़ा दालचीनी का, तीन से चार सूखी लाल मिर्च, एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा। और बाकी मसालों में हमें चाहिए एक छोटी चम्मच काश्मीरी मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, एक चम्मच कसूरी मेथी और नमक स्वाद के अनुसार। तो सबसे पहले हम राजमा उबालेंगे। तो यहाँ पर एक कटोरी राजमा को हमने पहले से ही रात में भिगो कर रख दिया था। आप देख सकते हैं अच्छे से फूलकर तैयार हो गया है। तो ये भीगे हुए राजमा को हम प्रेशर कुकर में डालेंगे। एक से डेढ़ ग्लास के लगभग इसमें डालेंगे हम पानी। थोड़ा सा नमक और एक चम्मच ऐड करेंगे इसमें हम देसी घी। तो देसी घी डालने से राजमा बहुत ही जल्दी से बॉयल हो जाता है। तो अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पर तीन से चार सीटी आने तक राजमा को हम उबालेंगे। तो तीन से चार सीटी आने के बाद आप गैस को बंद कर दें और भाप निकलने के लिए इसे रख दें। तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो अब जो हमने खड़े गरम मसाले लिए थे, सबसे पहले हम उन्हें भूनेंगे। तो यहाँ हमने खड़े गरम मसाले जो भुने थे, उसका इस तरह हमने पाउडर बनाकर रख लिया है। और जो हमने टमाटर कट किए थे, उन्हें भी आप देख सकते हैं, हमने इस तरह मिक्सर के जार में पीस लिया है। तो चलिए फटाफट से अब हम बना लेते हैं। तो अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलेंगे। तो आप देख सकते हैं राजमा जो है अच्छे से बॉयल हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम बनाने के लिए कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल, और जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए, तभी हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा। जीरे को हम भूनेंगे, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, एक छोटी चम्मच ऐड करेंगे काश्मीरी मिर्च, हल्दी का पाउडर मिला देंगे। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे और इसी के साथ ऐड कर देंगे हम कसूरी मेथी। तो इस टाइम पर कसूरी मेथी को डालने से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा सब्जी में, क्योंकि अच्छे से भुन जाती है। और जो हमने खड़े मसाले को पीस कर उसका पाउडर बनाया था, उसमें से एक चम्मच मसाले का पाउडर अभी हम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे कि फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा सब्जी में। मिलाएंगे ढक के रख देंगे टमाटर को भुनने के लिए। बस दो से तीन मिनट लगेंगे टमाटर को अच्छे से भुनने में, उसके बाद हम खोलकर चेक कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल किया हुआ राजमा, मिला देंगे। और दो से तीन मिनट के लिए ढक के पकने देंगे। फिर हम सब्जी को खोलेंगे और ऐड करेंगे इसमें हम पानी। तो दो कप के लगभग आप इसमें पानी डाल दें, या फिर आपको जितनी ग्रेवी चाहिए हो उतना आप इसमें पानी ऐड कर दें। और सब्जी को धीमी धीमी आंच पर पाँच से छः मिनट के लिए पकने के लिए रख दें,
जिससे कि पानी का कच्चापन दूर हो जाएगा। तो 5 से 6 मिनट बाद हम सब्जी को खोलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेवी जो है सब्जी की अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप मट्ठा यानी छाछ, आधा चम्मच काला नमक। तो ये दोनों ही चीज़ें डालने से सब्जी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। इस तरह से आप एक बार राजमा को बनाकर ज़रूर से ट्राई करें। और जो हमने खड़े मसाले भुने थे, जिसका हमने पाउडर बनाया था, तो 1 चम्मच हमने पहले ऐड किया था, तो 1 छोटी चम्मच के लगभग ये मसाला हम और ऐड कर देंगे, मिला देंगे। फिर से सब्जी को हम ढककर पकने के लिए रखेंगे लगभग 2 मिनट के लिए। उसके बाद ही हम सब्जी को खोलेंगे। तो यहाँ पर राजमा अच्छे से बनकर तैयार है, ग्रेवी भी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और हरी मिर्च, दोनों को ही हमने पतला और लंबा कट किया हुआ है। थोड़ा सा ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, मिला देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बटर। बटर की जगह पर आप चाहें तो 1 बड़ा चम्मच देसी घी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सब्जी में मिलाने से इसे। गैस को बंद कर देंगे और सब्जी को ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद ही आप इसे सर्व करें, क्योंकि सब्जी का जो कलर है बहुत ही अच्छे से आ जाएगा थोड़ी देर के लिए रखने से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना प्याज और लहसुन के भी हमने बहुत ही टेस्टी सा राजमा बनाकर तैयार किया है। इसे आप रोटी के साथ या फिर चावल के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। तो यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।